फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के घंटाघर चौराहे के समीप गोल्ड पैलेस नाम पर ज्वेलर्स की दुकान है, जहां दुकानदार राजा बाबू जैन उस दुकान को संभालते हैं। जब चोरी की घटना उनकी दुकान में घटित हुई तो वह उस समय दुकान में मौजूद नहीं थे। उनकी ज्वेलर्स की दुकान पर उनकी पत्नी बैठी थी और दुकान को संभाल रही थी। तभी एक महिला जो कि शॉल पहने होती है उसके साथ एक पुरुष दुकान में प्रवेश करता है और दुकान पर बैठी महिला से कहते हैं कि हमें सोने का सामान खरीदना है। दुकान पर बैठी महिला उन्हें सोने के पेंडल दिखाती है। तभी शॉल ओढ़कर आई चोर महिला पेंडल देखते देखते दो पेंडल सोने के उसमें से चुराकर अपनी शॉल में छुपा लेती है। यह सारा नज़ारा दुकान में अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। चोरी करके महिला और पुरुष दुकान से चले जाते हैं। जब दुकान मालिक राजा बाबू जैन दुकान पर आते हैं और दुकान का पूरा स्टॉक चेक करते हैं तो दो सोने के पेंडल गायब मिलते हैं। तो वह सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं और उसमें एक महिला और एक पुरुष पेंडल खरीदने आते हैं और महिला दो सोने के पेंडल चुराकर अपने शॉल में छुपा लेती है और वहां से चले जाती। वहीं दुकानदार ने पूरी इस घटना की शिकायत थाना दक्षिण पुलिस से की है। राजा बाबू जैन जी, कल जो है 2:45 के लगभग की बात है, एक महिला और उसके साथ में एक पुरुष आए थे और मेरी वाइफ दुकान पर बैठी हुई थी। मैं उस समय था नहीं, तो उन्होंने पहले तो सेट वगैरह की डिमांड की। मैं सेट चाहिए जी चाहिए बातों में लगाया, तो उसके बाद उन्होंने पेंडल की डिमांड करी, तो उन्होंने पेंडल दिखाना शुरू किया। उसमें से उन्होंने दो पेंडल दिखाते हुए अपनी शॉल में दबा लिए और लेके चली गई। और फिर कह के चली गई, मैं बहाना बना के चली गई कि मैं अभी 10-5 मिनट में अभी लौट के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ, जब तक भाई साहब आ जाऊँ उनसे भी मैं बात कर लूँगी। और फिर उसके बाद आज तक उसका पता नहीं चला है। उसके बाद मैंने अपना स्टॉक मिलाया और स्टॉक मिलाने में जो है थोड़ा पेंडल कम पड़े, वजन कम हुआ, तो उसके बाद मैंने फोटो देखे, सीसीटीवी देखी, उसमें उसका बिल्कुल क्लियर आया है कि वो यहाँ से चोरी करके ले गया।